हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो रहने वाला हमारे ट्रैवलिंग के ऊपर। जी हाँ, बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माइंड में बचपन से ही मतलब एक बात आती है कि जो ट्रेन होती है, राजधानी एक्सप्रेस या दुरंतो एक्सप्रेस, इन सब ट्रेन में जर्नी में कैसा एक्सपीरियंस होता होगा ना, क्योंकि हम सुनते हैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होता, उसमें खाना फ्री में देते हैं। आप अपनी सीट पे बैठे हुए आपको एवरी टाइम वो लोग खाना खाने को देंगे, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, इवनिंग का स्नैक्स वगैरह हो, राइट। तो हम सभी के भी माइंड में आते हैं कि कैसी सर्विस उनकी होगी, क्या सब ये लोग खाने में देते होंगे ना, तो क्यों ना एक बार एक्सपीरियंस लिया जाए, इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया जाए जाकर ट्रेवल करके। क्योंकि फ्लाइट में तो हर कोई एक बार चढ़ जाता है, लेकिन दुरंतों का भी लेना अपना ही एक मजा होता है। तो इसीलिए मैंने भी दुरंतों की टिकट ली है, जो कि मेरी टिकट है वो चेन्नई की है, हजरत निजामुद्दीन से। डिपार्चर टाइम जो है वो दोपहर के 3:55 का है, और जो अराइवल टाइम है चेन्नई सेंट्रल मेन रेलवे स्टेशन है चेन्नई का, वहाँ का जो अराइवल टाइम है वो रात के 9 का है। तो देखते हैं इस ट्रेन जर्नी में हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी इस व्लॉग यात्रा को, और देखते हैं कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है इस ट्रेन मतलब जर्नी में दुरंतों का, क्योंकि राजधानी और दुरंतो दोनों बराबर है अपने आप में। और जो मेनली ये ट्रेन की जो मैं आपको बता रहा हूँ दुरंतो, इस ट्रेन का जो स्टॉपेज है कुल ये इसका अप्रॉक्स 2200 किलोमीटर का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, और ये इसके स्टॉपेज जो है मेनली 6-7 स्टॉपेज है ओनली। ओके, तो देखते हैं हम ट्रैवल करते हैं और क्या सब होता है हमारे साथ इस ट्रिप के दौरान, क्या क्या मिलता है खाने को, कैसा होता है टेस्ट, कैसा नहीं होता है, आगे देखते हैं। बिल्कुल इस तरफ हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, और ट्रेन में बैठने के बाद सबसे पहले आपके पास पेंट्री कार से हमारे पास जो होते हैं पेंट्री कार में काम करने वाले आदमी, वो आते हैं आपके पास और आपसे पूछते हैं अगर आपने टिकट लेने के दौरान आपने फूड को ऑप्शन में किया होता है यस, तो फिर आपको पूछते हैं वो कि आपको फूड में क्या लेना है, वेज लेना है या नॉन वेज लेना है। उसके साथ आप जो भी सिलेक्ट करना है एवरी टाइम आपको उससे रिलेटेड आपको फिर नॉनवेज फूड दिया जाएगा अगर आप नॉनवेज लेते हैं, और अगर आप वेज लेते हैं तो आपको वेज फूड दिया जाएगा। साथ ही साथ पूरे ट्रिप के दौरान आपको 2 पानी की बोतल दी जाती है। अगर 2 पानी की बोतल से एक्स्ट्रा आपको कोई बोतल लेने है तो उसके लिए आपको 15 चार्ज देना पड़ता है। दो नंबर, तीन नंबर। ट्रेन में बैठने वाले सबसे पहले हमें मिलता है शाम का स्नैक्स, जिसमें मिलती है हमें प्याज वाली कचौड़ी, वेज सैंडविच, टमाटो केचप, चाय और एक डाइट मिक्सचर जो कि नमकीन का पैकेट होता है, वो भी BTW कंपनी का। ट्रेन में एसी काफी तेज चल रहा होता है, इसलिए हम सबसे पहले अपनी बनाते हैं चाय, और चाय पीते हुए अपनी ट्रिप को हम स्टार्ट करते हैं। चाय के बाद हम खाते हैं मजे से वेज सैंडविच, विंडो के पास आराम से बैठते हैं और बाहर नजारा देखते हुए मजा लेते हैं हम सैंडविच खाते हुए। सभी अपना अपना शाम का स्नैक्स खाकर अपने अपने बर्थ पर आराम से मजे से आराम कर रहे होते हैं, जिसको जैसे अच्छा लगता है, और मैं मजा करता हूँ अपने डाइट मिक्सचर के साथ बाहर नजारा देखते हुए, विंडो के पास बैठ के धीरे धीरे डाइट मिक्सचर को खा के बाहर नजारा देखते हुए, क्योंकि ट्रेन में अगर सफर करना है और बाहर नजारा ना देखे तो मजा अधूरा है। और धीरे धीरे हो जाती है हमारी शाम बाहर देखते देखते, और बस इंतजार रहता है रात के डिनर का कि रात में डिनर में हमें क्या मिलेगा, और देखते हैं कि रात में हमें डिनर में क्या मिलता है। सभी बस बैठे हुए थे, बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द डिनर मिले और हम चले सोने। वीडियो बनाते बनाते मेरी नजर जाती है गेट के बाहर, और गेट के बाहर देखते ही मेरे मन में एक बात आती है कि क्यों ना जाके देखा जाए ये लोग कर क्या रहे हैं। और जैसे मैं बाहर जाके देखता हूँ तो देखने को मिलता है अरे ये तो डिनर की प्लेटें लगा रहे हैं।
भैया अभी स्ट्रीट नंबर 2 पे नहीं आया ना नॉनवेज वाला? नॉनवेज वाला अभी नहीं दे रहे हो ना? ये रेड वाला है क्या? नॉनवेज वाला? हाँ नॉनवेज लेके जा रहा हूँ। अच्छा, जिस चीज़ का हमें इंतजार था डिनर का, वो हमारे पास अब आ चुका होता है, क्योंकि हमने देखा बाहर लोग लगा रहे होते हैं पैंट्री कार के, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं डिनर लेके। और डिनर में मुझे मिला है चिकन मसाला, दाल फ्राई, जीरा राइस, 3 रोटी और 1 दही, मदर डेयरी कंपनी का जो कि दही मिलता है हमें। और उन्होंने कहा था कि खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, तो मीठे में क्या मिलता है वो हम देखेंगे आके। मेरे को जो मिला है नॉनवेज मैंने सेलेक्ट किया था, इसलिए मुझे चिकन मसाला मिला है। अगर आप वेज फूड लेते हैं तो आपको इसमें मटर पनीर मिलता है, बस एक सब्जी का ऑप्शन चेंज होता है नॉनवेज और वेज में, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। तो बस जल्दी से खाना खाने के बाद हमें यहाँ पे मदर डेयरी कंपनी की वैनिला फ्लेवर आइसक्रीम मिलती है, जिसको सभी मजे से खाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद हम चलते हैं सोने, सभी अपने अपने सोने की तैयारी करते हैं। सोने के लिए आपको आपके बर्थ पे 2 बेडशीट दी जाती है, 1 ब्लैंकेट दिया जाता है और 1 पिल्लो दिया जाता है। बस हम भी अपने रेडी करते हैं अपने बर्थ को अच्छे से और चलते हैं सोने। और देखते देखते यहाँ पे हमारा बर्थ रेडी हो चुका होता है, लाइट ऑफ कर दी जाती है पूरे कोच की और मजे से सब सो जाते हैं। अपनी नींद पूरी करने के बाद मैं उठता हूँ आराम से अपने बर्थ से और हम जाते हैं बाहर मुंह वगैरह धोने, क्योंकि कब ब्रेकफास्ट आ जाए कुछ नहीं पता। वो ब्रेकफास्ट में आज क्या मिलने वाला रहता है ये भी देखते हैं हम आगे। ब्रेकफास्ट मेरे पास यहाँ पे आ चुका होता है, जिसमें मेरे को मिलता है यहाँ पे चाय सामग्री, 1 फ्रूटी, 1 वर्का कंपनी का बटर, हार्वेस्ट का ब्राउन ब्रेड और कंटेनर में ऑमलेट और 1 ग्लास गर्म पानी और टमाटो केचप। बस जल्द से जल्द हम बनाते हैं अपना ब्रेड ऑमलेट और खाते हैं मजे से। जैसे ब्रेड ऑमलेट खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद अब आती है हमारी चाय की बारी। तो चाय पीने के लिए मैं आ जाता हूँ कैबिन से बाहर, क्योंकि अंदर एसी काफ़ी तेज चल रही होती है, जिसकी वजह से मेरा चाय ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका होता है और अगर अंदर मैं चाय पीता तो जो भी बचा था वो भी ठंडा हो जाता, इसलिए मैं बाहर आ जाता हूँ कैबिन से और मजे से मिरर में देखते हुए मैं चाय की। ट्रेन के अंदर अगर हम सफाई की बात करते हैं तो ट्रेन सफाई में काफ़ी ज़्यादा सही था। वर्कर जो थे हर 4 से 5 घंटे में बार बार सफाई करने आते रहते थे और टॉयलेट को भी प्रॉपर ये लोग सफाई करते रहते थे बीच बीच में। और बस धीरे धीरे इंतज़ार करते करते हमारा लंच का टाइम हो गया होता है और हमारे पास लंच में खाना आ चुका होता है। लंच में आपको बटर चिकन, दाल फ्राई, 1 सूखी सब्जी, 3 रोटी और चावल, दही, अचार ये सब मिलता है। साथ ही साथ रात में भी आपको 1 सूखी सब्जी दी जाती है यहाँ पे।
लंच करने के बाद सभी अपने अपने बर्थ पे जाके आराम करने लगते हैं। कोई बैठा हुआ है तो कोई सो रहा है, जिसको जैसे आराम करना वो ऐसे कर रहा होता है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही होती है तो फिर मैं बाहर नज़ारा देखते हुए बस टाइम पास कर रहा होता हूँ। और जब बीच में बोर होने लगता हूँ तो बोतल को फ्लिप करके खेलने लगता था, या तो अपने दोस्तों से अपनी फैमिली से मैं फ़ोन पर बात करने लगता था, बस किसी तरह मेरा टाइम पास हो जाए, बस यही सोच के टाइम बिताया जा रहा था। देखते देखते शाम होती गई धीरे धीरे, और पैंट्री वाले भैया हमारे पास पहुंच जाते हैं हमारा इवनिंग का स्नैक्स लेकर। इवनिंग के स्नैक्स में भी आपको मिलता है एक बेसन का लड्डू, डाइट मिक्सचर, वेज सैंडविच और ओनियन कचौरी और टमाटो केचप। मेरे साथ हर बार की तरह एक ही प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार मेरी चाय ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे बाहर आकर चाय पीना पड़ रहा था। कैबिन में मेरे बर्थ के सामने मेरे बर्थ पे दो छोटे छोटे बच्चे थे, जो कि काफी ज्यादा खेल रहे थे, कभी फाइट कर रहे थे तो कभी प्यार कर रहे थे, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये भी मेरे टाइम पास करने में मुझे हेल्प कर रहे थे। धीरे धीरे शाम होती जा रही थी, और इसी के साथ साथ हमारे पैंट्री वाले भैया भी डिनर की तैयारी करते जा रहे थे, क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग थी रात के 9 बजे पहुंचने की, और उससे पहले सभी को डिनर कराना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रात के डिनर में आपको यहाँ पे मिलता है दाल फ्राई, चिकन चंगेजी, चावल, 3 रोटी, 1 सूखी सब्जी, दही, और खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए आइसक्रीम। तो बस हम यहाँ पे खाना अपना स्टार्ट करते हैं। खाना इतना ज्यादा टेस्टी था कि मैं आराम से खाए जा रहा था, और खाते खाते कब मैं चेन्नई पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला। तो इस तरह मैंने अपनी ट्रेन जर्नी को कंप्लीट किया। यहाँ पे दुरंतो की ट्रेन जर्नी ऐसी रही, आपने देखा कि क्या सब हमें खाने में देते हैं। इनका ये चीज फिक्स है कि एवरी टाइम आप कुछ भी खाओगे, चाहे शाम का नाश्ता हो, चाहे मॉर्निंग का हो, चाहे इवनिंग का हो, चाहे मतलब आफ्टरनून चाहे नाइट का, जब भी कभी खाना हो आपको देते हैं। ये लोग मीठा जरूर देते हैं, जैसे कि कभी आपको सोन पापड़ी दे देते हैं ये लोग, या बेसन के लड्डू दे देते हैं, या आइसक्रीम देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सर्विस मुझे अच्छी लगी, और खाने का रियली में टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। देखने में बेशक जो मर्जी लगे, लेकिन देखने में अच्छा था। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।